हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 11 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8, जो चैप्टर का नाम है कार्य सामर्थ्य तथा ऊर्जा के, कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में उसके बाद के टॉपिक्स जो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, तो देखिए आज का जो टॉपिक है वह सामर्थ्य अथवा शक्ति है, सामर्थ्य तथा वेग में संबंध, सामर्थ्य का मात्रक, इसके अन्य मात्रक, सामर्थ्य की विमा, ऊर्जा, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इतना जो टॉपिक्स लिखा गया है, इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए, पहला आपका टॉपिक है सामर्थ्य। सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति को डिफाइन करना हो कैसे करेंगे, तो किसी कर्ता या मशीन द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। अर्थात देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी कर्ता या मशीन द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। देखिए सामर्थ्य बराबर आपका कार्य करने की दर, सामर्थ्य को बी से, कार्य करने की दर को बी W/T से, तो यही आपका इसी से डिफिनेशन दिया गया है। किसी कर्ता या मशीन द्वारा कार्य करने की जो दर होती है वही आप उस मशीन या कर्ता का क्या कहलाएगा, सामर्थ्य कहलाएगा। या मैं इसका एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, इसी में यदि T=1 हो सेकेंड, तब देखिए आप T=W/1 या P=W, इससे क्या डिफिनेशन करता है कि अर्थात किसी कर्ता या मशीन द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य सामर्थ्य कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है। डिफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन आप T=1 सेकंड T=W/1 या P=W, अर्थात किसी कर्ता या मशीन द्वारा एक काम समय जो कार्य किया जाएगा वही जो है उसका क्या कहलाएगा, सामर्थ्य कहलाएगा। तो ये जो टॉपिक्स रहा आपका सामर्थ्य अथवा शक्ति के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद सामर्थ्य अथवा शक्ति वेग में संबंध, अगला जो टॉपिक्स है सामर्थ्य तथा वेग में संबंध। अभी जस्ट हम जानते हैं कि T=W/D या P=W कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल जो है कार्य होता है। यहाँ पे देंगे W=F×S, चूंकि में या P=F×S/T कर दे रहे हैं, या P=F×S/T दूरी बटे समय, यहाँ पर चार हो जाएगा, चूंकि लिखेंगे S/T=4।
तो आपका सामर्थ्य और वेग का जो संबंध होगा यही होगा पी बराबर या फिर टू भी। तो जो आपका ये टॉपिक्स है सामर्थ्य तथा वेग के संबंध यही होगा। अब अगला देखिए सामर्थ्य का मात्रक। अगला जो टॉपिक्स है वो सामर्थ्य का मात्रक। सामर्थ्य का मात्रक, चूंकि जानते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपान टी, यहीं पर यूनिट डाल दीजिए, यूनिट ऑफ पी बराबर यूनिट ऑफ डब्ल्यू अपान टी या ए डब्ल्यू को जूल में, समय को सेकंड में। तो ये सामर्थ्य का मात्रक होता है वो आपका जूल प्रति सेकंड होता है या वाट होता है। क्या होता है? वाट। ये आपका मात्रक हो गया सामर्थ्य का मात्रक। जो आपका ये फार्मूला है उस फार्मूले के आधार पर इस मात्रक हो गया। तो अन्य मात्रक में आइए तो सामर्थ्य का अन्य मात्रक, अन्य मात्रक तो पहला जान लीजिए ये तो है अन्य मात्रक में। दूसरा अगर इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपान टी या पी बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस अपान टी। यहीं पर अगर इसका मात्रक लिखे हैं यूनिट हाफ पी बराबर, तो बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में बाई सेकंड, यानी सामर्थ्य का मात्रक जो होगा न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड होगा। तीसरा अगर मात्रक लिखे हैं देखिएगा, चूँकि पी बराबर डब्ल्यू अपान टी या पी बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस बाई टी या पी बराबर एफ बराबर एम ए यस बाई टी, ठीक है, इन टू बाई टी टी स्क्वायर हो जाएगा, एफ बराबर एम हो गया। तो यहाँ पर अगर यूनिट लिखे हैं यूनिट एफ बराबर एम एस बाई टी और यहाँ पर ए सॉरी यहाँ पर पी बराबर एम ए बराबर डी अपान टी, तो टी स्क्वायर इंटू यस। अब यहाँ यूनिट लिखा है यूनिट ऑफ पी बराबर, ये देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम में, दूरी का मीटर, दूरी का मीटर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पहला मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होगा। अगला जो आपका न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड होगा। अगला अगर इसका मात्रक लिखना चाहें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये इसके अन्य मात्रक जो होता है अश्वशक्ति होता है। अश्वशक्ति में मापते हैं एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट हो जाएगा। अगला अगर करें तो एक किलो वाट बराबर 10^3 वाट हो जाएगा। एक मेगावाट बराबर 10^6 वाट हो जाएगा। तो सामर्थ्य के ये सब मात्रक हैं तो ये अन्य मात्रक में आ जाएंगे। अब सामर्थ्य की सीमा, सामर्थ्य की सीमा, सामर्थ्य की सीमा, चूंकि जाते हैं पी बराबर डब्ल्यू अपान टी या पी बराबर डब्ल्यू बराबर
या फिर इंटू यस बाई टी या पी बराबर एफ बराबर एम ए यस अपान टी या पी बराबर एम ए बराबर वी अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या पी बराबर वी बराबर एम डी अपान टी टी क्यूब हो जाएगा इंटू यस। अब यहाँ डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम डी यस बाई टी क्यू। और इसका बीमा आ जाएगा कैपिटल एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस थ्री। सामर्थ्य की जो बीमा होगी यही होगा। अब आइए ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा कहते किसान किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु का कहलाएगा ऊर्जा। यानी क्या लिखा देंगे किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को जूल में मापते हैं। ऊर्जा को जूल में मापते हैं। ऊर्जा के प्रकार ऊर्जा जो दो प्रकार का होता है। ऊर्जा दो प्रकार का होता है जो निम्न है। पहला होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा का होगा स्थिति ऊर्जा। ये जो गतिज ऊर्जा होता है क्या होता है, यानी किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होगा उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहेंगे। और स्थिति ऊर्जा को डिफाइन करना क्या करेंगे, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था अथवा विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो गतिज ऊर्जा है और स्थिति ऊर्जा है इसके जो व्यंजक हैं उस व्यंजक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।